इट वॉज द ट्रांसपायरेशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे. ट्रांसपायरेशन डिस्कस करते करते हम लोगों ने फैक्टर्स डिस्कस किए थे और फैक्टर्स में डिस्कस किए थे दो, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. इंटरनल फैक्टर तीन थे, एक था एज ऑफ लीफ, नंबर ऑफ स्टोमेटा और पोजीशन ऑफ स्टोमेटा. नंबर ऑफ स्टोमेटा अगर ज़्यादा होंगे तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा, और पोजीशन ऑफ स्टोमेटा के बेसिस पर पांच प्रकार के स्टोमेटा, ए पी ओ डब्ल्यू, ए फॉर एपेट, पेटोटाइम, ओ टाइम, वाटर लिली. इतना याद है आपको? बहुत बढ़िया याद. फिर हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा. सनलाइट पर दो प्रकार से, एक तो उसकी क्वांटिटी, दूसरा क्वालिटी. क्वांटिटी बढ़ाने पर ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं. और क्वालिटी दो प्रकार, एक रेड और एक ब्लू. बेस्ट इज ब्लू, सेकंड बेस्ट इज लीस्ट इज ग्रीन. ग्रीन हो गया. विंड वेलोसिटी बढ़ाने पर ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा, और अगर बहुत ज्यादा विंड वेलोसिटी बढ़ गई तो एक हार्मोन निकलेगा, स्ट्रेस. याद है? हम लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा था विल्टिंग. क्या पढ़ा था बेटा? व्हाट इज विल्टिंग? व्हाट इज विल्टिंग? ए शांत रहो. व्हाट इज विल्टिंग? नहीं पढ़ के आए. लॉस ऑफ वाटर, इट इज विल्टिंग. इट्स द ड्रूपिंग ऑफ लीफ ड्यू टू एक्सेस लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपायरेशन. पत्तियों का मुरझा जाना क्योंकि पानी ज्यादा निकल गया. क्यों ज्यादा निकल गया? ट्रांसपायरेशन ज्यादा, और इस वजह से इस प्रोसेस का नाम क्या रखा गया? विल्टिंग. विल्टिंग खत्म हो जाती है शाम तक आते आते. क्यों? क्योंकि एक हार्मोन है जिसका नाम है स्ट्रेस हार्मोन, और स्ट्रेस हार्मोन जो होगा वो स्टोमेटा को क्लोज कर देगा. कर देगा? और अगर स्टोमेटा क्लोज हो गए तो बताओ एब्जॉर्प्शन मैच कर जाएगा किसको? ये क्लास में एक छोटी सी गलती के साथ शुरू करना चाहता हूँ, जो मैं कल गलती की थी उसको सुधार करना चाहता हूँ. आप लोग ध्यान से सुनिए, कल एक छोटी सी गलती हुई मुझसे, इनफैक्ट हुई, और वो गलती थी थ्योरीज में. तो ये ऑन बेटा, तो पहली बात तो ये थी कि शुगर और सॉरी स्टार्च एंड स्टार्च ग्लूकोज कन्वर्जन हाइपोथेसिस, ये वाला जो मॉडल था इट वाज गिवन बाय सायरे. मैंने दूसरा साइंटिस्ट का नाम लिख दिया था लेविट. लेविट नहीं है वहां पर. आई एम सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी, लेविट इज नॉट देयर. बहुत गलत हो गया मुझसे वो. और दूसरी हाइपोथेसिस थी बेटा पोटेशियम मैलेट हाइपोथेसिस. इसे आप सुधार लीजिए, मुझसे गलती हुई कल. पोटेशियम मैलेट हाइपोथेसिस इट वाज गिवन बाय लेविट. ये आपको ध्यान देनी है. सो दिस इज अ करेक्शन ऑफ माय मिस्टेक. और वो कल मैंने शायद सायरे के साथ किसका नाम लिख दिया था? लेविट लिख दिया था. तो आपको सुधारना है. बताओ स्टार्च ग्लूकोज कन्वर्जन थ्योरी वाज गिवन बाय एंड द पोटेशियम मैलेट थ्योरी वाज गिवन बाय लेविट. मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इट इज अ पोटेशियम मैलेट. तो प्लीज स्टार्ट यहीं से करिएगा. अच्छा भाई, इसे हटा दिया. नाउ ट्रांसपायरेशन का एक फिर से छोटा सा लुक लेते हैं हम लोग. हमने देखा था कि वाटर का हुआ था एब्जॉर्प्शन, वाटर का हुआ था ट्रांसलोकेशन, और फिर वाटर का क्या हुआ था? ट्रांसलोकेशन के बाद क्या हुआ था? ट्रांसपायरेशन. और हमको ये मालूम है कि वाटर के एब्जॉर्प्शन में अगर एक्टिव एब्जॉर्प्शन आ जाए तो यहाँ एक प्रेशर डेवलप होता है, रूट प्रेशर. रूट प्रेशर
और ये एक पॉजिटिव प्रेशर है। और ट्रांसपिरेशन के दौरान एक कुल पैदा होता है, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन कुल, और ये एक निगेटिव प्रेशर है। तो एक तरफ पॉजिटिव प्रेशर है दैट इज रूट प्रेशर, और एक तरफ निगेटिव प्रेशर है दैट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। फिर मैंने आपको यूं बताया था कि रूट से लेकर लीफ तक यहां पर कॉलम कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस कॉलम है, जो कॉलम है वो कॉन्टिन्यूअस है। आपसे मैं यही पूछूंगा कि ये किस बात का कॉलम है जो कॉन्टिन्यूअस है, आपने बोला था सर वाटर कॉलम। फिर मैं आपको दो साइंटिस्ट के नाम बताऊंगा जिनकी थ्योरी मोस्ट करेक्ट थी कि मोस्ट एक्सेप्टेड, इनकी थी डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन एंड जॉली की हाइपोथेसिस वाज द मोस्ट करेक्ट और मोस्ट एक्सेप्टेड, एंड थ्योरी का नाम था कोहेसन, इट वाज द कोहेसन टेंशन एंड देन इट वाज ट्रांसपिरेशन पुल हाइपोथेसिस। मैंने ये बोला था कि मोस्ट करेक्ट नहीं है, मोस्ट एक्सेप्टेड। और मोस्ट करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि डिक्सन जॉली ने किसे कंसीडर नहीं किया, रूट प्रेशर। उन्होंने किसे कंसीडर किया है, ट्रांसपिरेशन। और उनके अनुसार आज बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछने आया, अभी अभी जब मैं पढ़ाने आ रहा था तो उसने बोला सर एसेंट ऑफ सैप की मेन थ्योरी क्या है, तो मैंने कहा रूट प्रेशर भी एड करता है लेकिन कितना मीटर, 10 से इससे ज्यादा ऊपर, यानी मेन प्रेशर इज नॉट द रूट प्रेशर, द मेन प्रेशर इज द ट्रांसपिरेशन। एंड दैट्स व्हाई, चूंकि मेन प्रेशर ट्रांसपिरेशन पुल है, डिक्सन जॉली की निकल पड़ी और डिक्सन जॉली ने कहा कि मेरी हाइपोथेसिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। लेकिन एनसीईआरटी दोबारा इस टॉपिक को पढ़ाती, मैं बोल रहा हूं दोबारा इस टॉपिक को पढ़ाती और वो ट्रांसपायरेशन के बाद इस टॉपिक को दोबारा से लुक करती है और कहती है सब कुछ चीजें आपको चेंज करनी है, कि एसेंट ऑफ सैप में कोई एक फोर्स नहीं है बल्कि 5 फोर्स काम करने वाले हैं। सो एट एसेंट ऑफ सैप में यानी अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर में नॉट ओनली द ट्रांसपायरेशन पुल, नॉट ओनली द रूट प्रेशर, बट देयर आर 5 प्रेशर, हाउ मेनी, चलो जोड़ो, पहला कौन, दूसरा कौन, इसके अलावा वो बोलते हैं कि इस वाटर कॉलम की टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर रुक जाइएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए और इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को बनाने के लिए 2 फोर्स, वन इज नोन एज कोहेसन और दूसरा है एडहेसन। तो अब टोटल हो गए 4, चारों के नाम बताओगे, बताओगे yes, बोलो कौन, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल और इसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ के 2 फोर्सेस है, 2, एक कौन वो है सर, दूसरा कौन एडहेसन। इसके अलावा कैपिलैरिटी, देयर इज नोन एज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एंड दिस सरफेस टेंशन विल जनरेट कैपिलरी फोर्स और कैपिलरी फोर्स से जनरेट होगी कैपिलैरिटी। तो बच्चों अब हमको एक एक करके सारी चीजें पढ़नी है, 2 हम पढ़ चुके हैं और 3 हमें पढ़ने हैं और इन तीनों को समझना है ताकि हमें पता चल जाए कि एसेंट ऑफ सैप में एक प्रेशर नहीं है या 2 प्रेशर नहीं है बल्कि कितने हैं, 5। और एनसीईआरटी इन 5 प्रेशर के नाम लिखती है, इन 5 प्रेशर को समझना जरूरी है, नीचे से जो अकेला प्रेशर नहीं है ना, ये अकेले ट्रांसफर ना, तो अकेला ये बेटा एसेंट ऑफ सैप कर पाएगा, दूसरा कौन, ये सबसे हैवी पुल है लेकिन ये अकेला पुल नहीं है, इसके अलावा कौन है, रूट प्रेशर। इसके अलावा और क्या है, टेंसाइल, और क्या है, सरफेस। अच्छा कल के एग्जांपल में मैं जब आपको बता रहा था कि व्हेन यू मेक द ह्यूमन चेन, एक ह्यूमन चेन आप बनाते हो एक दूसरे का हाथ पकड़ के और इस ह्यूमन चेन का जो बॉन्डिंग है, लेट सपोज एक कमजोर है और मैं पकड़ करके ऊपर से एक बहुत हैवी पुल देता हूं, तो इस हैवी पुल की वजह से जो आपके हैंड का पकड़ा हुआ पोर्शन है ये बचेगा कि टूट सकता है, अगर ये टूट गया तब क्या होगा, ध्यान सुनना,
अगर ये टूट गया तो मान लीजिए ये जाइलम है, क्या बेटा? जाइलम। तो इस जाइलम के अंदर जो वाटर कॉलम होगा, लेट सपोज ये वाटर कॉलम है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं, तो बताइए बचेंगे कि टूट जाएंगे? अगर कॉलम टूट गया तो कॉलम कंटिन्यूअस की डिसकॉन्टिन्यूअस, और अगर डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया कॉलम तो बताओ आगे का ट्रांसपोर्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मास फ्लो में एक एंड पॉजिटिव एक एंड निगेटिव, और कॉलम कैसा चाहिए? तो बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, फिर से ध्यान सुनना, मैंने कल भी इसे बताया था, ट्रांसपिरेशन पुल इट इज अ हैवी पुल, बहुत ज्यादा हैवी पुल है, बहुत तेजी से खींचने वाला पुल है, और ये जो ट्रांसपिरेशन पुल हैवी पुल है इसके वजह से यहां पर टेंशन पैदा होती है, क्या पैदा होती है? और अगर ये टेंशन ज्यादा हो गई तो बताओ, ये बताओ बचेगा कि टूट जाएगा? और इस टेंशन से बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए याद रखना, हमारे वाटर कॉलम में होनी चाहिए टेंसाइल स्ट्रेंथ, फिर से बोलो, तो बताओ टेंसाइल स्ट्रेंथ इज व्हाट स्ट्रेंथ? द स्ट्रेंथ विच कैन काउंटरैक्ट द टेंशन जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन पुल, फिर से बोलो, ट्रांसपिरेशन पुल इज लाइट और हैवी, एंड इट इज अ हैवी पुल दैट इज दैट अप्लाइड अपॉन वाटर कॉलम एंड विल क्रिएट, और ये टेंशन, अगर ट्रांसपिरेशन पुल हैवी होगा तो टेंशन भी हैवी, और हैवी टेंशन की वजह से कॉलम कंटिन्यूअस हो सकता है कि डिस्कॉन्टिन्यूअस, तो क्या टूट सकता है? इसे रोकने के लिए, टूटने से रोकने के लिए, और इस पूरे कॉलम में क्या होनी चाहिए? टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जो किसे काउंट्रैक्ट करती है? टेंशन, और टेंशन किसे डेवलप हुई? तो करना क्या है कि हमें ये कॉलम को टूटने देना है कि नहीं? तो याद रखना, इन्हें टूटने नहीं देना है, तो इनके बीच का कोहेशन फोर्स, कौन सा फोर्स? वो आपको कौन सी स्ट्रेंथ देगा? टेंसाइल। तो कोहेशन फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल, पानी का पानी के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर जो वाटर का कॉलम वाटर के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है, दैट इज नोन एज कोहेस, को मतलब सिमिलर टाइप, हैसन मतलब फोर्स, कोहेसन का फोर्स वो फोर्स होता है जो सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में लगता है। याद रखना, ये पानी के मॉलिक्यूल, एवरीवन हियर, पानी के मॉलिक्यूल याद रखना जाइलम के वेसल के साथ भी अटैच रहते हैं, और अगर ये अटैच रहते हैं तो बताओ वेसल इज अ सिमिलर थिंग और डिसिमिलर? डिसिमिलर। तो बताओ वाटर कॉलम का, वाटर कॉलम का जाइलम के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस कोहेशन के एडहेशन, हाँ एडहेशन, और मैंने बोला था कोहेशन और एडहेशन मिल करके क्या बना देंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ, फिर से बोलो, और अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ बन गई तो बताओ ये वाटर कॉलम डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा कि कॉन्टिन्यूअस? हाँ कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो दो चीजें ऐसी हैं जो आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ देती हैं, बताएंगे आप? बोलो कौन? कोहेशन एंड एडहेशन। तो बताइए कौन पुल हैवी है? हैवी पुल होने की वजह से टेंशन भी कैसी है? हैवी। किस में टेंशन लगी? वाटर कॉलम। वाटर कॉलम के टूटने के चांसेस हैं, हैं? इस टेंशन को काउंटरैक्ट करना है, इस टेंशन से लड़ना है, किस स्ट्रेंथ के द्वारा? टेंसाइल। और वो कितने फोर्सेस से आएगी? दो, एक कौन? कोहेशन। दूसरा वाटर का वाटर के साथ, कोहेशन। वाटर का जाइलम के साथ, क्योंकि वाटर कॉलम जाइलम के साथ बना हुआ है तो जाइलम के साथ भी उसका अटैचमेंट होना चाहिए। तो कितने प्रकार के फोर्स? दो, एक कौन? कोहेशन। दूसरा एडहेशन। दोनों ने मिलकर के क्या पैदा किया? अच्छा, वो बोलते हैं इसके बाद भी मान लो वाटर कॉलम टूट जाए तब क्या करोगे? तो बोलते हैं तब काम आएगा सरफेस टेंशन। देखो मैं ज्यादा सरफेस टेंशन तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, आप सब लोग मुझसे ज्यादा फिजिक्स जानते हैं, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सरफेस टेंशन का, दैट इज एफ बाई एल आई थिंक, है ना? और ये माना जाता है कि सरफेस में एक टेंशन होती है, कोई भी लिक्विड होगा और उस लिक्विड की अपर सरफेस में एक टेंशन होती है, दैट इज नोन एज एफ बाई एल, एंड दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। याद रखना, इस सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स पैदा होता है, दैट इज नोन एज कैपिलरी फोर्स। मुझे यह भी नहीं मालूम कि आपको आता है कि नहीं आता, लेकिन जितना मुझे आता है मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ।
मेरे टीचर ने जब मुझे कैपिलरी फोर्स पढ़ाया था तो उन्होंने बताया था, सुनील जितना फाइन ट्यूब होगा, फाइन ट्यूब जितना पतला ट्यूब होगा, उसमें अगर कोई लिक्विड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, तो उस लिक्विड के एसेंट होने की टेंडेंसी होती है, डिसेंट की एसेंट, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है बाई अ फोर्स, कौन सा फोर्स बोलो, दैट इज नोन एज कैपिलरी फोर्स, फिर से बोलो, तो अगर कैपिलरी फोर्स लगने लगे तो बताओ वो वाटर डिसेंट करता है कि एसेंट, एसेंट। अच्छा, हम लोगों के यहां पर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, इंडिया में बहुत बड़ी घटना हुई थी कि लोग बोले थे कि पत्थर की मूर्तियां या भगवान की मूर्तियां मिल्क पी रही हैं, दूध पीने लगी हैं, उनके उनके मुंह में चम्मच लगाओ, और वो जैसे ही उनके मुंह में चम्मच लगाया जाता था वो दूध को सक कर लेती थी, पी लेती थी, तो लोग समझ नहीं पा रहे थे ये भगवान पी रहे कि कौन पी रहे। तो लोगों ने बहुत काम किया, हम लोगों के यहाँ दिवाली में गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है, वो गणेश लक्ष्मी जी की पूजा में जो गणेश जी हैं वो भी मिट्टी के हैं, लक्ष्मी जी वो भी मिट्टी के हैं, और मिट्टी के गणेश जी को जैसे ही आपने एक चम्मच दूध पिलाया वो पीने लगते हैं, मैंने देखा पीते हुए, तो मैं कहूंगा हे भगवान ये तो पी रहे हैं, दुनिया तो सही है, बट व्हाट वाज द रीजन, रीजन ये था क्योंकि मिट्टी के जो भगवान है, भगवान माफ करना, उनके जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग्स हुई है, यानी जो SCC पैकिंग हुई है सॉलिड स्टेट की मिट्टी की, उस सॉलिड स्टेट मिट्टी के बीच में बेटा वाइड्स बनी है, क्या बनी है, और वाइड एक फाइन ट्यूब की तरह बिहेव कर रही है, किसकी, और इस फाइन ट्यूब में जैसे ही तुमने बेटा मिल्क लगाया, जैसे मिल्क लगाया बताइए मिल्क इन ट्यूब के द्वारा खींच लिया जाएगा, किस फोर्स की वजह से, तो जहां भी कैपिलरी फोर्स होगा वो फाइन ट्यूब में किसी भी लिक्विड को इम्बाइब करने की टेंडेंसी रखेगा, उसे एसेंट करने की टेंडेंसी रखेगा। अब बताओ, मान लीजिए कोहेशन और एडहेशन भी इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को नहीं झेल पाए और कॉलम टूट ही गया, और अगर कॉलम टूट ही गया तो अब ये ऊपर वाला तो ऊपर निकल गया क्योंकि कौन सा पुल लग रहा, ट्रांसपेरेंट, और नीचे वाला नीचे रह गया क्योंकि पुश बहुत ज्यादा है नहीं, तो बताओ कॉलम बचेगा कि टूट जाएगा, पर बोलते हैं कैपिलरी फोर्स है वो इसको ऊपर चढ़ा देगा, ऊपर चढ़ा देने का मतलब है इस कॉलम को मेंटेन करने की टेंडेंसी रखेगा, और कैपिलरी फोर्स किस में लगता है, लार्जर ट्यूब में कि फाइन ट्यूब, और बताओ वेसल जो है कौन सी, के कौन सी वेसल, जाइलम वेसल, जाइलम वेसल एक वाइड ट्यूब है कि फाइन, और फाइन ट्यूब में कौन सा टेंशन लग रहा होगा, सरफेस टेंशन, फिर से बोलो, और इस सरफेस टेंशन का, या सरफेस टेंशन की वजह से कौन सा फोर्स पैदा हो रहा, कैपिलरी, और कैपिलरी फोर्स भी इसे एसेंड करने की टेंडेंसी रख रहा होगा, यस, एंड दैट्स व्हाई टोटल कितने फोर्स हो गए, 5। जरा NCERT बुक खोलिए, पेज नंबर बताइए, 188। प्लीज इन तीनों फोर्स के नाम देखिए जो लिखे हुए ऊपर, बोलो क्या लिखा है, कोहेशन, एडहेशन, सरफेस, और सरफेस टेंशन वाले ही पैराग्राफ में क्या लिखी है, कैपिलैरिटी लिखा है, कैपिलैरिटी के आगे लिखी है कैपिलरी फोर्स, तो टोटल मिलाकर कितने फोर्सेस हो गए मुझे बताइए, चलो बताइए, नीचे से रूट प्रेशर, ऊपर से ट्रांसपिरेशन पुल, और बीच में तीन, कोहेशन, एडहेशन, सरफेस टेंशन, बताओ कोहेशन एडहेशन मिलकर के क्या बताएंगे, और कैपिलैरिटी किससे आएगी, सरफेस टेंशन, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए जो एसेंट ऑफ साहब के लिए जरूरी है, 5। तो किसी बच्चे ने आज मुझसे क्वेश्चन पूछा था, वो बच्चा कहाँ है, हाथ उठाए, यस बेटा ये बताइए एसेंट ऑफ साहब के लिए एक फोर्स की 5 फोर्स, 5, लेकिन मैक्सिमम किसका रोल, ट्रांसग्रेशन, तो अगर किसी एक का नाम लेना हो वो कौन, ट्रांसग्रेशन, एंड दैट्स व्हाई डिक्सन एंड जॉली की थ्योरी इज मोस्ट करेक्ट की मोस्ट एक्सेप्टेड, क्योंकि इन पांचों फोर्स में सबसे बड़ा रोल किसका, आंसर मिल गया आपका, वेरी गुड, बैठ जाओ। तो अब मैं बोल सकता हूं कि NCERT ने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया, बताओ कितने फोर्स, और देखिए इसी पेज नंबर 188 में उन्होंने एसेंट ऑफ सैप्ट यूज किया है, पहली लाइन पढ़ा नहीं पढ़ा, एसेंट ऑफ जाइलम सैप, दैट इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप, कितने फोर्सेस बता पाओगे, नीचे से पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर से ट्रांसपिरेशन पुल, पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में तीन है, एक कौन, कोहेशन, एडहेशन,
कोहेसन एडिशन मिलके टेंसाइल स्ट्रेंथ बचाता हूँ सरफेस टेंसर से, क्या कैपिलरिटी, तो क्या कैपिलरिटी भी वाटर कॉलम मेंटेन करेगी? यस। कोहेसन एडिशन भी मेंटेन करेंगे? यस। तो ये तीन फोर्स वाटर कॉलम को कंटिन्यूअस करते हैं, एक पुल करता है और एक पुश। पता विच वन इज पुश? पता नहीं। विच वन इज पुल एंड विच मेंटेन द कंटिन्यूअस कॉलम? कोहेसन एडिशन सरफेस चेंज। नहीं आया? और इस तरीके से ट्रांसपायरेशन का मेजर पोर्शन, ऑलमोस्ट ऑल पोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। नाउ एक लास्ट पॉइंट है, ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अ कंप्रोमाइज। बहुत बढ़िया टॉपिक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज है, अ कॉम्प्रोमाइज। और कॉम्प्रोमाइज कब करते हैं? जब आपका नुकसान हो रहा हो और फायदा भी हो रहा हो, लेकिन नुकसान ऐसा है कि वो सहा जा सकता है क्योंकि फायदा बहुत अच्छा है, तो आप अपने फायदे को ध्यान में रख करके नुकसान सह लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्रोमाइज। आप तो कोचिंग में पढ़ने आना है और एक लड़के से लड़ाई हो गई और वो लड़का कह रहा कि तुम आओगे तुम्हें बहुत उड़ाएंगे, तो आप उसके पास जाते हो, बोलते हो भैया कंप्रोमाइज कर लो, बताओ क्या करना है। बोला मुझे एक चॉकलेट खिला दो नहीं तो बहुत मारेंगे। तुम उसे एक चॉकलेट खिला देते हो, कहते भैया हमको पढ़ने जाने दो। ये क्या चॉकलेट देना इस? अब मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूं, अगर आपने इसका सही सही जवाब दिया तो मेरा तो भाई निकल पड़ेगी कि मैं तो समझ जाऊंगा चैप्टर आपको आता है। बताइए ये जो बनाया ये लीफ है ना, रूट, और ये yes. और ये leaf. पक्का yes. अच्छा बताओ लीफ में एक प्रोसेस होता है, नाम है फोटोसिंथेसिस। पक्का? वाह मेरे बच्चे, तुम लोग बहुत बहुत दिनों तक जियोगे, अपने अपने सर की इतनी मेहनत कर रहे हो। लीफ क्या करती है? और लीफ अगर फोटोसिंथेसिस करती है तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपको आती होगी? yes, पक्का आती है? yes, बोलो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। पक्का? yes, पक्का विल फॉर्म C6H12O6। क्या निकलेगी? ऑक्सीजन। ये क्या बना? फूड बना। अब ध्यान सुनो, ये जो फूड बन रहा है ये लीफ में बन रहा है, सनलाइट इसे एनवायरनमेंट से मिल रही है, क्लोरोफिल इसके पास खुद से है, CO2 इसे एनवायरनमेंट से मिल रही है, अब वाटर एनवायरनमेंट से नहीं मिल पा रहा। अगर इस इक्वेशन में कुछ नहीं है तो वो क्या नहीं? देखो CO2 एनवायरनमेंट से है, वाटर नहीं है, सनलाइट मिल रही, क्लोरोफिल इसके पास है, यानी जो जो चीजें चाहिए इसके पास है, सनलाइट एनवायरनमेंट से, क्लोरोफिल क्योंकि पत्ती ग्रीन है, CO2 एनवायरनमेंट से, क्या नहीं मिल रहा? वाटर। वाटर कौन लिए बैठा है? रूट। और रूट मुस्कुरा रही कि हे भगवान क्या गजब करते हो। बोले भगवान ने कहा क्या गजब कर दिया मैंने? बोले पानी हमें कम जरूरी है, इसे ज्यादा जरूरी है। बोले इसे क्यों जरूरी है? क्योंकि लीफ को करनी है फोटोसिंथेसिस। क्या है फोटोसिंथेसिस? कहां होनी है? रूट में होनी है। तो भगवान देखो तुमने हमको रूट में वाटर तो दिया, लेकिन वाटर की जरूरत ही मेरे पास कम और लीफ के पास ज्यादा, क्योंकि मैं तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकती, क्योंकि बिकॉज माई सेल्स आर ग्रीन और नॉन ग्रीन। तो भगवान ने कहा ठीक है तुमको मैंने पानी दिया तो तुम पानी आप पहुंचाओ ना। तो बोली हाँ अगर मेरे को पानी पहुंचाने के लिए हार्ट दे देते कसम से मजा आ जाता है। क्या देते? तो मैं यहां से लब डब करके सिस्टोल डायस्टोल करके पानी भेजती रहती। तो भगवान ने कहा हार्ट तो ह्यूमन को मिलता है या फिर एनिमल्स को मिलता है, तुम्हें नहीं मिल सकता। तो बोले भगवान सबमर्सिबल पंप दे देते। अगर सबमर्सिबल पंप देते तो हम यहां से मार बटन ऑन करते हैं झा पानी चढ़ गया। मजाक नहीं, मैं समझा तो समझाने की कोशिश कर।
तो भगवान ने कहा कि भैया ना मैं तुमको सबमर्सिबल पंप दे सकता हूं ना तो हार्ट दे सकता हूं। तो बोले फिर हम पानी ना पहुंचाएंगे, हमारे पास इतना क्षमता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा रूट प्रेशर 10-15 मीटर पहुंचा देंगे, ऊपर नहीं पहुंचा पाएंगे। तो भगवान ने कहा अगर तुम नहीं पहुंचाओगी तो मैं पत्तियों से कहूंगा, पत्तियों से कहूंगा अपना काम खुद करो। तो पत्तियां कहती कि हाँ मैं अपना काम खुद कर रही हूं, मुझे फोटोसिंथेसिस करनी है। तो भगवान कहते हैं ठीक है फोटोसिंथेसिस करनी है तो पानी बुलाना पड़ेगा। हे भगवान, तो पत्तियों को खुद पानी बुलाना पड़ेगा क्या? यस। और बोलते हैं पानी बुलाने के लिए पानी को भगाना पड़ेगा। क्या विरोधाभास है, जितना पानी लॉस करोगे यस और नो, उतना यहां पैदा होगा ट्रांसपिरेशन पुल। फिर से बोलो, और जितना ट्रांसपिरेशन पुल होगा टेंशन उतनी कम की ज्यादा, और टेंशन जितनी ज्यादा पानी चढ़ने की क्षमता उतनी ज्यादा कम की ज्यादा। तो जितनी पत्तियां हैं क्या कर रही हैं? ट्रांसपिरेशन। और क्या पैदा कर रही है? ट्रांसपिरेशन पुल। क्या हर पत्ती पुल पैदा कर रही है? और पुल पैदा करके किसे बुला रही है? वाटर। और वाटर बुला करके कर क्या रही है? लॉस। कितना परसेंट? 98%। कितना? तो पत्ती के पास जितना पानी गया उसका कितना परसेंट लॉस कर दिया? 98। अजीब पागल पत्ती है कि पानी बुला रही और खत्म कर रही। बोली भैया ऐसी मुसीबत में भगवान ने डाला है कि पानी बुलाने के लिए पानी का लॉस करना बहुत जरूरी है। पानी पानी का लॉस करना बहुत जरूरी है। बोले क्यों जरूरी है? बोले अगर मैं लॉस नहीं करूंगी तो पुल पैदा नहीं होगा, पुल पैदा नहीं होगा तो एसेंट ऑफ सैप, और एसेंट ऑफ सैप नहीं होगा तो पानी चढ़ेगा नहीं। तो बोले क्या फायदा हुआ? लाए थे 100 लीटर, 98 लीटर बहा दिया। बोले बहा दिया तो बहा जाने दो, 2 लीटर तो बचा नहीं बचा, उसी का क्या करेंगे? यानी ट्रांसपिरेशन के लॉस को आप सह जाते हैं। सो भैया ध्यान सुनो, ट्रांसपिरेशन इज अ लॉस, और जिसमें आप 90% लॉस सह जाते हैं, बियर कर जाता, पौधा कहता ठीक है हमको ये तो चाहिए मैं निकाल लूंगा 98% लॉस। यानी इतना बड़ा लॉस आप कॉम्प्रोमाइज के रूप में दे देते हैं ताकि आप क्या कर पाए? And that's why topic is, कितना खूबसूरत टॉपिक है, बोलो क्या? ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आ कंप्रोमाइज। क्या करना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपिरेशन इज गेन और लॉस, फोटोसिंथेसिस इज गेन। इस गेन के लिए ये लॉस करना पड़ेगा, और इसीलिए कैसा प्रोसेस है? नहीं आया। और इसीलिए एक साइंटिस्ट हुए कर्टिस, मैं हर साल पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है, लिख लीजिएगा। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है कर्टिस। कर्टिस ने कहा ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी एविल, ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी एविल। अब जब मैं पहली बार यह शब्द पढ़ा था तो मैं काफी देर तक परेशान रहा था। एविल मतलब गंदी बात, नेसेसरी मतलब जरूरी, यानी ट्रांसपिरेशन एक बहुत जरूरी गंदी बात, नहीं समझ में आया। ट्रांसपिरेशन एक बहुत जरूरी गंदी बात है। क्यों गंदी बात है? क्योंकि इसने 98% वाटर का क्या कर दिया? लॉस। लॉस। और क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये ना होता तो फोटोसिंथेसिस ना होता। तो साइंटिस्ट हुए कर्टिस। कर्टिस ने कहा ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी एविल। एक और साइंटिस्ट हुए, इनका भी बड़ा मुझे शब्द अच्छा लगता है, स्टीवर्ड। इन्होंने कहा कि हाँ ये गंदी बात है लेकिन तुम्हारी औकात नहीं कि तुम इसे रोक सको। इन्होंने ऐसी शब्द को कहा लेकिन अंग्रेजी में कहा क्या? इट इज ट्रांसपायरेशन इज अनअवॉइडेबल एविल। ट्रांसपायरेशन इज अनअवॉइडेबल, इसे अवॉइड नहीं किया सकता, एविल।
तो भगवान ने ट्रांसपिरेशन पौधों को दिया है क्योंकि पौधों के पास हार्ट नहीं है. क्या नहीं है? हार्ट होता तो ट्रांसपिरेशन, क्योंकि पानी चढ़ जाता है और इन्हें पानी चढ़ाने के लिए ही ट्रांसपिरेशन करना. क्या विरोधाभास है? पानी पाने के लिए पानी का लाश. किसी को कभी, किसी कवि को पता चल जाए तो पता लगे, एक कविता लिख दे. क्या विरोधाभास है? पानी पाने के लिए पानी का लाश. नहीं समझ में आया? बताओ कर्टिस ने क्या बोला? इट इज अनेसेसरी. नेसेसरी मतलब जरूरी, एविल मतलब गंदी बात. क्या ट्रांसपायरेशन एक जरूरी गंदी बात है? क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रांसपायरेशन के कुछ फायदे फायदे हैं. आइए, पांच फायदे आपकी एनसीईआरटी ने लिखे हैं पॉइंट वाइज. मैं उन पांचों फायदों को एक एक करके लिखता हूं. हटा दो इसे. चलो, सो ट्रांसपायरेशन का पहला फायदा, ट्रांसपायरेशन का पहला फायदा आपकी बुक में लिखा है, ट्रांसपायरेशन क्रिएट्स, या लिखा हुआ है इट क्रिएट्स ट्रांसपायरेशन पुल. ट्रांसपायरेशन होने पर ट्रांसपायरेशन पुल पैदा होता है विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर. सूर्या जी खड़े होइए. अगर ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से कोई एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, और रूट वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रही है ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से, तो ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन है कि पैसिव? पैसिव. कैसा है? ये पढ़ाया था, भूल गए थे. पैसिव है, सही बोला इन्होंने. बताओ, मैंने बोला था यहां से पानी निकलता जाएगा तो यहां पर क्या रहेगा? स्ट्रेस. पानी ऊपर चढ़ता रहेगा, यहाँ पानी की कमी तो यहाँ पर गाढ़ा की फीका, गाढ़ा तो पानी यहाँ पर अपने आप आता रहेगा. बताओ पैसिव की एक्टिव. लेकिन रात में ट्रांसपिरेशन बंद तो बताओ ऊपर चढ़ना बंद, पानी यहाँ पर जमा रहेगा. अगेंस्ट कंसंट्रेशन पैसिव की एक्टिव, एक्टिव. तो जब तक ट्रांसपायरेशन ना हो तब तक वाटर एब्जॉर्प्शन एक्टिव, और जब ट्रांसपायरेशन के साथ पैसिव. तो पानी का एब्जॉर्प्शन कितने प्रकार का? दो. एक कौन? एक्टिव और एक पैसिव. तो एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है. एनसीईआरटी की पहली लाइन क्या लिखी? देखो बेवकूफों, पता ही नहीं सर. इट क्रिएट्स ट्रांसपायरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर. तो बताओ ट्रांसपिरेशन पुल कितने काम करता है? एक का नाम एसेंट ऑफ सैप, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलोकेशन. और एसेंट ऑफ सैप होगा तो पानी की कमी रूट में हो जाएगी, और रूट में कमी हो जाएगी तो वाटर का एब्जॉर्प्शन. तो बताओ कितने काम? मजा नहीं आ रहा. एक की दो? ये कुछ समझ ही नहीं पाए कि ये सर क्या बोले. कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया कि सर ने ये क्या लिखा. एक बार और सुनो, चेहरे बता देते हैं तुम्हारे कि तुमको कितना आ रहा है. वो तो मैं हूं कि दोबारा पूछ लेता हूं, नहीं कोई पूछे भी ना. बताओ बेटा यहां से वाटर लॉस हुआ? हाँ सर. ये दिख रहा सर, वाटर लॉस हुआ तो यहाँ पानी की कमी हुई. पानी स्टेम से मांगा गया, स्टेम में पानी की कमी हुई. पानी रूट से मांगा गया, रूट में पानी की कमी हुई. रूट ने किससे मांगा? सॉइल. तो इधर से निकला जा रहा, इधर से खींचा जा रहा, इधर से एब्जॉर्ब हो रहा. तो बताओ इस एब्जॉर्प्शन में एनर्जी का खर्चा? तो बताओ एक्टिव की पैसिव? पैसिव. पर रात में ट्रांसपिरेशन बंद तो बताओ पानी ऊपर चढ़ना बंद, तो जो पानी आया वो यहां पर जमा है. yes, तो पहले से ही पानी यहां कम की ज्यादा? ज्यादा. और तुम और पानी लेके आ रहे हो. अगेंस्ट कंसंट्रेशन के अलावा अगेंस्ट, और अगेंस्ट लाना एटीपी खर्च होगा. तो रात में जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है बिना ट्रांसपायरेशन के पैसे के एक्टिव, और दिन में तो बताओ जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है उसमें कौन हेल्प करता है? ट्रांसपिरेशन पुल. तो बताओ पहला पॉइंट उन्होंने क्या लिखा है? इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर. इससे क्या फायदा होगा?
इट सप्लाइज वाटर, इट सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब सुनो, इसकी भी एक कैलकुलेशन है। बोलते पौधे जितना भी पानी यूज कर रहे हैं, जितना भी पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसका 1% या लेस देन 1% या फिर ऑलमोस्ट 1% वाटर ही फोटोसिंथेसिस के काम आता है। बस बाकी सब या तो बह जाता है या तो दूसरे काम आता है। बताओ 98% कहां चला जाता है? ट्रांसपायरेंस। बचा कितना? 2, और उस 2 में से भी 1% किसमें? फोटोसिंथेसिस। बाकी सब किसी और काम। बोल फिर से बोल। तुमने पानी 100 लीटर एब्जॉर्ब किया, 98 लीटर बहा दिया, ट्रांसपायरेशन उड़ा दिया, अब बचा कितना? 2 लीटर में से 1 लीटर, बाकी 1 लीटर दूसरी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। तो बताओ फोटोसिंथेसिस में कितना पानी? 1% या फिर लेस देन। और तुम्हें लगेगा ये डाटा मैं पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी घर में पढ़ना अच्छे ढंग से, वहां पर 1% वाली बात कहीं ना कहीं लिखी मिल जाएगी, और जब लिखी मिल जाए तो अंडरलाइन कर लेना। कितना परसेंट वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज? 1। चलो दूसरा पॉइंट होता है ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से पानी मिलता है किसको? लीफ को, ताकि लीफ क्या कर सके? फोटोसिंथेसिस। अच्छा, जब पानी ऊपर चढ़ रहा होता है तो साथ साथ मिनरल भी चढ़ते हैं। देखो इधर, जाइलम से 2 चीजें ऊपर चढ़ती हैं, किसी को पता है? एक कौन? वाटर, और दूसरा? तो बताओ पानी क्यों चढ़ा जा रहा है? ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। तो साथ में कौन चढ़े जा रहे हैं? मिनरल। तो मिनरल का ट्रांसलोकेशन भी ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से होता है। तो इट हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल। ये मिनरल के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं। 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट मुझे एज इट इज चाहिए बिना देखे। पहला पॉइंट, इट क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल। कौन क्रिएट? ट्रांसपिरेशन एक अच्छी बात की गंदी बात? लेकिन नेसेसरी है। इसे खत्म नहीं किया जा सकता, ये खत्म तो फोटोसिंथेसिस। पानी ऊपर, मिनरल ऊपर, और पौधा बचेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। तो बताओ इट इज अवॉइडेबल इविल कि अनअवॉइडेबल? कर्टिस ने क्या कहा? नेसेसरी इविल। बोलो, और स्टीवर्ड ने क्या कहा? अनअवॉइडेबल। ओके, चौथा पॉइंट, ट्रांसपिरेशन के दौरान वाटर वेपर निकलती है। ये कुछ कुछ परस्पिरेशन जैसा है, जैसे हम पसीना निकाल के अपनी बॉडी कूल करते हैं। अभी पढ़ा रहा हूं मैं थर्मो रेगुलेशन, भूल गए? एनिमल्स एंड बर्ड्स में, एनिमल में कौन? मैमल। मैमल और बर्ड, वैसे मैमल क्या करते हैं? परस्पिरेशन। परस्पिरेशन करके अपनी बॉडी के को टेम्परेचर को बढ़ाते कि घटाते? घटाते। तो जैसे हम पसीना निकालते हैं वैसे ही पौधे पानी निकालते हैं। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से सरफेस कूल होती है। वो बोलते हैं कि वो गर्मी, गर्मियों की वो दोपहर 45 डिग्री टेम्परेचर, तुम बाहर खड़े हो जाओ तुम्हारी सर में ऑमलेट बन जाए इतनी गर्मी। उस गर्मी में तुम पौधों की पत्तियां छुओ, गर्म है कि ठंडी है? क्यों, क्या कर रहे हैं? तो ट्रांसपिरेशन कूल द सरफेस सम टाइम 10-15 डिग्री लेस देन एनवायरमेंट, सम टाइम 10-15 डिग्री कम देन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में 45 डिग्री टेम्परेचर गर्मी भयानक, और पता चला पौधे का 30 डिग्री टेम्परेचर, इसका मतलब है पौधा छूने में ठंडा लगेगा कि गर्म? ठंडा, क्योंकि मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 और मैं 30 डिग्री की बॉडी को छूंगा, बताओ ठंडा कि गर्म? ठंडा है। नहीं आया? जाओ, कोई रोका क्या तुमको? कहाँ जाना है? रूम पे हेडेक हो रहा है, जाओ। गर्मी लग रही तो क्या करें? जब तक सर्दियां ना आए तब तक पढ़ाते ना पढ़ाए?
ओए सीधे घर ही जाना, रूम ही जाना, सिगरेट विगरेट मत पीना। पीते हो? पहले पीता था, बीड़ी पीता है। अच्छा बच्चा है, ना सिगरेट पीता है ना बीड़ी पीता है। अरे किसी का मजाक नहीं उड़ाते, बेइज्जती हो जाती है। बेइज्जती उसकी होती जिसकी। चलो बेटा हम लोग अपना काम करें। कभी कभी इसका टेम्परेचर कितना डिग्री कम हो जाता है, 10 से 15। पक्का? अब अच्छा एक और अजीब विरोधाभास होता है कि पानी जितना ऊपर चढ़ेगा उतना बेटा ये टिश्यूज के अंदर जाएगा। पानी ऊपर चढ़ेगा तो टिश्यू के अंदर जाएगा, और टिश्यू के अंदर जाएगा तो सेल हो जाएंगी टर्जिट। कैसी हो जाएंगी? और अगर सेल फूल गई तो शेप हो जाएगी मेंटेन। तो बोलते हैं ट्रांसपिरेशन सेल के शेप को भी मेंटेन करता है। कब तक? जब तक विल्टिंग ना हो। क्या ना हो? अगर एक्सेस ट्रांसपिरेशन होगा तो शेप मेंटेन होगा कि डिस्टर्ब हो जाएगा? डिस्टर्ब। लेकिन अगर नॉर्मल ट्रांसपिरेशन है तो पानी ऊपर चढ़ेगा, और पानी ऊपर चढ़ेगा तो सेल में घुसेगा, सेल में घुसेगा तो सेल टर्जिड होगी, और सेल टर्जिड होगी तो क्या होगा? शेप मेंटेन होगा। तो पांचवा पॉइंट है इट मेंटेन द शेप्स ऑफ सेल। Shape of cell by maintaining the turgidity। और ये मुझे पांचों पॉइंट आप बोल दीजिए, आपको ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आ कंप्रोमाइज के पांच पॉइंट मिल जाएंगे। बताओ ट्रांसपिरेशन एक कंप्रोमाइज है क्या? एक नुकसान है क्या? इसके बदले हमें क्या फायदा मिलेगा? फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या कराना पड़ेगा? ट्रांसपायरेशन में कितना पानी लॉस हो जाता है? 90। बाकी बचा पानी हमारे फोटोसिंथेसिस और बाकी चीजों में काम आता है। इसका मतलब ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल, अनअवॉइडेबल एविल। ये इतना नेसेसरी क्यों है? पांच पॉइंट याद है? जो पांचों बोल देगा वही अच्छा बच्चा है। पहला पॉइंट, ट्रांसपिरेशन ना होता तो ट्रांसपिरेशन पुल ना होता, और ट्रांसपिरेशन पुल ना होता तो पानी ऊपर ना चढ़ता। पक्का? पानी ऊपर नहीं चढ़ता तो पानी पौधों को पत्तियों को नहीं मिलता और फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ये दो पॉइंट हो गए। पानी ऊपर नहीं चढ़ता तो मिनरल भी ऊपर नहीं चढ़ता, तो क्या मिनरल का भी ट्रांसलोकेशन नहीं होता। और चौथा, अगर पानी बाहर नहीं निकलता तो सरफेस कूल नहीं होता, और सरफेस कूल नहीं होती तो पौधों का टेम्परेचर घटता कि बढ़ जाता है। इसके बजाय वो होमियोस्टेसिस रेगुलेट ना कर पाते, लेकिन फिर भी वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रख लेते। और पांचवा पॉइंट, ये पानी चढ़ने की वजह से पानी सेल्स में जाएगा, और सेल्स जाएगा तो सेल क्या हो जाएंगे? टर्जिड। और टर्जिड होने पर सेप। याद रखना, आपने अभी अभी कहा कि सर फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर लॉस करना ही पड़ेगा। सो फोटोसिंथेसिस ये करने के लिए आपको वाटर लॉस करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर फोटोसिंथेसिस के दौरान दो साइकल्स हैं, एक का नाम है C3 साइकिल, और C3 साइकिल C3 प्लांट्स में पाई जाती है। ऐसे प्लांट जिनमें C3 साइकिल होती है उन्हें पाए जाते हैं C3 प्लांट्स। दूसरी प्रकार की साइकिल है C4 साइकिल। याद रखना C4 साइकिल C4 प्लांट्स में पाई जाती है। मैं एक और बात बता दूं, C4 प्लांट्स में C3 साइकिल भी पाई जाती है, लेकिन C4 साइकिल केवल किसमें पाई जाएगी? C4। C3 और C4 प्लांट्स में से C4 प्लांट को एडवांस प्लांट मानते हैं। इनको हम लोग एडवांस मानते हैं क्योंकि इन्होंने इवोल्यूशन के दौरान बड़े अच्छे काम किए। इन्होंने अपना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन डबल किया और ग्लूकोज ज्यादा बनाया, C6H12O6 ज्यादा बनाया, और अपना वाटर लॉस आधा किया, वाटर लॉस हाफ कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन डबल किया। अब आप कहोगे किससे डबल और किससे हाफ?
C3 प्लांट के रेस्पेक्ट में, C3 प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन जितनी ग्लूकोज वो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके, उससे दुगुना ग्लूकोज कौन बनाता है? C4। यानी उससे दुगुना कार्बन डाइऑक्साइड कौन फिक्स करता है? C4। तो विच इज बेटर फॉर द CO2 फिक्सेशन? C4। और CO2 फिक्सेशन के दौरान वाटर का लॉस होगा, और इनका लॉस होता है जितना, उससे आधा लॉस किसमें होगा? C4। तो बताओ C4 प्लांट C3 के रेस्पेक्ट में वाटर लॉस आधा और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन डबल, तो बताओ विच इज मोर बेनिफिशियल? C4। एंड दैट्स व्हाई C4 प्लांट इज द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट, और इसीलिए कम सनलाइट में किसमें, कम CO2 में किसमें, कम वाटर में किसमें सरवाइव कर लेते हैं? कम सनलाइट, कम CO2, कम वाटर में कौन सरवाइव कर ले? और ज्यादा सनलाइट, ज्यादा CO2 और ज्यादा वाटर में किसको चाहिए? C3 को। और याद रखना ये नीट का क्वेश्चन है, बड़ी लैंग्वेज में लिखा गया था, 80% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ से, जब तुम अनसॉल्व लगा रहे होगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा, अगले चैप्टर फोटोसिंथेसिस वाले में जरूर मिलेगा कि बताओ विच वन इज बेटर? किस बात में बेटर? और डाटा ऐसे ही बोलना, C3 से दुगुना किस बात में? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, और C3 से हाफ वाटर लॉस, क्योंकि सबको मालूम है फोटोसिंथेसिस करने के लिए ट्रांसपिरेशन करना ही पड़ेगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन आर कॉम्प्रोमाइज। फिर से बोलो, तो बताओ क्या करना ही पड़ेगा? वाटर लॉस। लेकिन कौन सी साइकिल तुम्हारे लिए, कौन सा प्लांट तुम्हारे लिए बेहतर है? C4, क्योंकि वो वाटर लॉस कम करता है कि ज्यादा? कम। और कौन ज्यादा? कितना ज्यादा? आधा करता है। आधा करता है कौन? C4। किससे? और डबल करता है कौन? तो रेफरेंस में C4 लोगे कि C3? C3 को रेफरेंस में लेकर के डिसाइड करना किसको? C4 को। तो बताओ कितना CO2 फिक्सेशन? डबल। कितना वाटर लॉस? रेफरेंस में कौन लोगे? अगर रेफरेंस में C4 लिया आंसर उल्टा हो जाएगा, आंसर उल्टा हो जाएगा। कैसे? अगर C4 को रेफरेंस में लिया और C3 के पूछा, तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन आधा और वाटर लॉस नहीं है। तो अगर ये लैंग्वेज बोलनी है तो रेफरेंस क्या रखोगे? C3। और किसके बारे में बताओगे? C4। नहीं आया तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन दुगुना कौन करेगा और वाटर लॉस आधा कौन करेगा? C4। अच्छा बताओ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हाफ कौन करेगा? किसके रेस्पेक्ट में? C4। और वाटर लॉस दुगुना कौन करेगा? किसके रेस्पेक्ट में? बात वही है, लेकिन बात रेफरेंस बदल जाने पर क्वेश्चन बदल जाएगा। हटा दें इसे, नहीं आया ना सौरभ? आ गया, तो अब इसे बाहर कर दें। अब जाकर के चार सब्सटेंस में से एक सब्सटेंस खत्म हुआ, चारों याद है? कौन कौन? वाटर, मिनरल। अच्छा मैं लिख दे रहा हूं, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन प्लांट। बोला कौन कौन सा सब्सटेंस, याद है? मेरी पहले दिन की क्लास मैंने सब्सटेंस गिनाए थे, याद है? नंबर 1 वाटर, नंबर 2 मिनरल, नंबर 3 फूड एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, याद है? और तीसरा कौन? PGR। PGR के लिए इन्होंने एक चैप्टर बना दिया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पर पढ़ाएंगे कि नहीं? और बच्चे कितने? 3। इस चैप्टर में 3 चीजों को मूव करते दिखाना था, वाटर, मिनरल, फूड एंड ऑर्गेनिक खत्म। अभी कौन खत्म हुआ? अब किसकी बारी? देखो अगला चैप्टर टॉपिक क्या ना, अपटेक ऑफ मिनरल। नहीं आया? नहीं सर, नहीं आया। अरे चैप्टर की कुछ लाइनें पढ़ते हो कि बस लीलावती कलावती चलता रहता है? हाँ, लीलावती कलावती चलता है, सत्यनारायण कथा। तो बताओ अभी तक हम लोगों ने कितना खत्म किया? 1। वाटर पढ़ते पढ़ते क्या क्या पढ़ डाला देखे, किसको क्या याद है? डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस इनहिबिशन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एपोप्लास सिम्प्लास ट्रांसपायरेशन याद है और ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस कंपैरिजन 10 चीजें पढ़ी तब जाके क्या खत्म हुआ वाटर और जब वाटर तुमने अब्सॉर्ब कर लिया तो मिनरल ने कहा हमें क्या नुकसान है हमको भी पढ़ो तुमने कहा परेशान मत हो तुम्हें भी पढ़ते हैं अगला टॉपिक है एब्जॉर्प्शन दैट इज अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल बाकी तुम्हारे धैर्य को मैं सलाम करता हूं क्योंकि तुम लोग इतना मुश्किल में होने के बावजूद भी सुनने की कोशिश करते हो जो लोग भी सुनने की कोशिश करते हैं वो बहुत अच्छे बच्चे हैं मैं कुछ एरोज लगाऊंगा अगर उन एरोज का मतलब आपने बता दिया मतलब मैंने सही पढ़ाया है बताओ ये क्या है और ये क्या है पक्का अब इन्हीं को मैं नया शब्द दे रहा हूं एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल इज नोन एज अपटेक ऑफ मिनरल बोलोगे ना एंड द ट्रांसलोकेशन इज ट्रांसपोर्ट तो ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसलोकेशन दोनों बातें चलेंगी कोई दिक्कत नहीं इसे ट्रांसलोकेशन भी कह सकते हो और ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हो पर अब की बात हम लोग यहां वाटर पढ़ेंगे कि मिनरल सो इट इज वेरी सिंपल अभी तक जो पढ़ा है वही यहां पर भी करना है सर हमसे ना हो पाएगा हो पाएगा नाउ व्हाट इज अपटेक ऑफ मिनरल अरे बेवकूफों What is uptake? Absorption. और absorption की definition बताएगी? Yes, sir. It is a movement of mineral. Water. बोलो water. It is a uptake of mineral. Topic का नाम क्या है? Mineral. From soil up to xylem of root. रास्ते में कितने लोग? भूल गए. Epidermis, cortex. एंडोडर्मिस पेरिसाइटल जाइलम नहीं भूल गए कितने रास्ते दो एक कौन एपोप्लास सिम्प्लास याद आया कुछ नहीं याद आया तुम मूर्ख हो इसीलिए तुम लोग रट्टा मारते हो क्योंकि तुम्हें लगता है पानी अलग रास्ते से जा रहा मिनरल अलग से जहां जहां पानी वहां वहां मिनरल पल्ले पड़ा तो बताओ अपटेक की बजाय वहां क्या लिखा है एब्जॉर्प्शन डेफिनेशन बता पाओगे चलो पहले बताओ व्हाट इज अपटेक डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा तुम इसे व्हाट इज अपटेक ऑफ मिनरल मम्मी कसम है जिसने नहीं बोला वो तो गया काम से हाँ बताओ व्हाट इज इट इज अ मूवमेंट ऑफ मिनरल फ्रॉम सॉइल टू Soil to xylem of root. पक्का yes, बताओ रास्ते में कौन कौन मिलेगा मिलेगा yes, sir. बुद्धि खुली रहनी चाहिए नहीं मरोगे सबके सब रास्ते में सबसे बाहर एपिडर्मिस मिलेगी yes, sir. फिर कॉर्टेक्स मिलेगा yes, sir. फिर एंडोडर्मिस मिलेगी yes, sir. फिर पेरिसाइकल मिलेगा yes, sir. फिर xylem पक्का तो आइए हम लोग आपको रास्ते से लेके चलते हैं कौन कौन सा रास्ता होगा वो तुम जानते हो सौभाग्य बनाओ यहाँ एपोप्लास सिम्प्लास नहीं दिया एपोप्लास सिम्प्लास दिया है मिनरल न्यूट्रिशन में अपटेक को पढ़ाते वक्त यानी अपटेक दोबारा पढ़ाया जाएगा नए चैप्टर में कौन सा चैप्टर तो फिलहाल के लिए मैं तुम्हारा बोझ थोड़ा कम करता हूँ पर जो बुद्धिमान लोग हैं उसे बोझ नहीं मानेंगे सर पानी जहां जहां मिनरल कितने रास्ते एक कौन एपोप्लास सेम इंटरसेलर स्पेस डंडा लाओ इंटरसेलर स्पेस एपोप्लास साइटोप्लास सेम लिविंग नॉन लिविंग प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल कुछ भी बुलवा लो बच्चा तैयार है लेकिन एपोप्लास में कहां तक एंडोडर्मिस उसके आगे रास्ता क्योंकि कैस्पेरियन वो इसलिए वाटर के लिए भी इम्परमियबल और मिनरल के लिए भी इम्परमियबल
नहीं आया, लिखाएं नहीं। कुछ बातें हैं जो लिखनी चाहिए, क्योंकि घर में जाकर मुझे गाली ना देना, क्योंकि भैया मैं अपना काम पूरा करूंगा और बाद में तुम ये कहो कि नहीं ये तो जल्दबाजी में निकाल दिया। हमारे पास बहुत फुर्सत है, क्यों हमको और मिल गई, क्योंकि अगर 4 मई को तुम्हारा कौन सा पेपर है बोर्ड का, तो 1 महीना बाद समझ लो ऐसा ही होगा, चक्कर न रहो। तो जब कक्षा 12 नहीं पास हो पाओगे तो नीट का एग्जाम कैसे देगा, उन्हें क्या मालूम कि सूर्य 10-12 साल से तैयारी कर रहे, 18 साल से, वो तो हर 12th के बच्चे को तैयारी कराना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि बोर्ड का एग्जाम खत्म होने के बाद नीट हो, तो कम से कम 4 मई के बाद तो पेपर होगा ही, 4 मई से बोर्ड है, और कब तक है, 10 जून, तब तक तो मैं नया बैच चालू कर दूंगा, अगली बार पैसा फिर लूंगा। नहीं बेटा, जब तक तुम नीट में नहीं जाते हो हम तुम्हारे साथ, तुम ही आना बंद कर दोगे देखना। मैं फिर बोल रहा हूं, वो जो इस साल सेलेक्ट होगा ये मेरी बातें याद रखेगा, इस साल से बेहतर साल कोई नहीं है सेलेक्ट होने का, याद रखना, क्योंकि इस बार लोगों ने तैयारियां कम की और तुम तैयारी कर रहे हो, और दूसरा इस बार लोग सोच रहे चलो एक साल किसी तरह निकल जाए अगली साल तैयारी करें, तुमको इस बार नहीं तो, और इसी साल सेलेक्ट होकर जाने के लिए तुम्हें जून तक का समय, अभी तुम देख लो जनवरी पूरी बाकी है, फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने ये बाकी है, जून खुश रहो कि जब 5 महीने में सर ने चैप्टर 50% करवा दिए, हम लोग चालू किए थे सितंबर में, 22 सितंबर, सितंबर हटाओ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीना में आधा कर दिया, और इसीलिए मैंने जेनेटिक्स खूब बढ़िया आराम से, बायोटेक्नोलॉजी आराम से, ह्यूमन फिजियोलॉजी आराम से, और अब हम लोग मार्च में ही खत्म करेंगे, ऐसा नहीं कि हम इसे जून में ले जाएं, लेकिन मार्च के बाद रिवीजन जिसमें तुम आओगे नहीं, आओगे अब की बार मैं प्रोजेक्टर लगा के रिवीजन करूंगा, और बैठ जाऊंगा एक कोने में और पुछैया, और पीछे से बंद करा दूंगा दरवाजा, 3 घंटा जो अंदर आया अंदर से बाहर से कोई अंदर ना आ पाए, और अंदर से कोई बाहर, हम तुम और चाबी, फिर मेरा डंडा, और भैया जब तुम बाहर निकलोगे तो चिल्लाते हुए निकलोगे बायोलॉजी आई, आएगी बेटा आएगी, बायोलॉजी अभी नहीं आ रही, अगर ये हम लोग कर गए तो 100% सिलेक्शन है, क्योंकि पूरा कोटा बंद है, पूरा दिल्ली बंद है, कानपुर रॉकेट, याद रहेगा, अच्छा मजाक कर रहा था, चलो यहां पर जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स ये 2 तरीके से एब्जॉर्ब होंगे, जैसे पानी 2 तरीके से एब्जॉर्ब होता था, एक पैसिव और एक एक्टिव। मिनरल का एब्जॉर्प्शन रूट में पैसिव एब्जॉर्प्शन भी है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी है, अलोंग द कंसेंट्रेशन पैसिव, अगेंस्ट एक्टिव की पैसिव, एक्टिव एनर्जी खर्च करके, एनर्जी बिना खर्च किए, पक्का। अब रास्ते 2 ही है, मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर नहीं है, अगले चैप्टर में पढ़ा लूंगा, एक कौन एपोप्लास्ट, बोलो कौन एपोप्लास्ट, और एक कौन फास्ट एपोप्लास्ट, कौन स्लो एपोप्लास्ट, किस में बेटा स्पेसेस में एपोप्लास्ट, किस में सेल के अंदर एपोप्लास्ट, अगर सेल के अंदर से गए और अगर स्पेसेस में गए फ्री स्पेसेस में सेल के अंदर, वो कहानी अगले चैप्टर में, हालांकि इस चैप्टर में है कि चाहे एपोप्लास से एब्जॉर्ब करो चाहे सिम्प्लास्ट से, कितने प्रकार का दो, एक को पैसिव और एक जिसमें नो एटीपी खर्चा वो पैसिव के एक्टिव, और जिसमें एटीपी का खर्चा है, याद रखना मिनरल है तो वाटर से एक एडवांस चीज रखेगा, मिनरल का एफडी भी होता है, फिक्स डिपॉजिट नहीं,
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजर, नहीं फिक्स डिपॉजिट। तो बताओ मिनरल कितने तरीके से एब्जॉर्ब होगा? तीन, बोलो कौन? पैसिव, एक्टिव, और पैसिव में ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजर थ्रू कैरियर प्रोटीन। अब सुनो, बोलते हैं ज्यादातर मिनरल, मोस्ट ऑफ द मिनरल दे एब्जॉर्ब एक्टिवली, ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। कारण सुनो, पहला कारण, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, फर्स्ट कॉज आयंस, जैसे सोडियम इन द Na प्लस, पोटेशियम K प्लस, क्लोराइड Cl माइनस, और मेम्ब्रेन का चार्ज है नेगेटिव। बोलो कैसा? नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव आयन को तो जाने ही नहीं देगी, और कई बार पॉजिटिव आयन के लिए भी इम्परमेबल, परमेबल की इम्परमेबल, और इम्परमेबल चीजों को अपने आप घुसाया जाएगा कि एनर्जी देकर? एनर्जी। तो याद रखना, आयंस को एनर्जी देकर एंट्री करानी पड़ती है, और एंट्री कराने के लिए चार्ज कैसा होगा? पैसिव की एक्टिव? एक्टिव। दूसरा, बहुत सारे मिनरल अगेंस्ट कंसंट्रेशन जाते हैं, अलोंग की अगेंस्ट, और जब अगेंस्ट कंसंट्रेशन जाएंगे तो एक्टिव की पैसिव? पैसिव। बताओ एक्टिव एब्जॉर्प्शन की कारण कितने हैं? दो। आपकी बुक में दो कारण लिखे हैं। पहला कारण, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, आयंस आर चार्ज पार्टिकल, कैसे पार्टिकल है? चार्ज। और चार्ज पार्टिकल के लिए मेम्ब्रेन जनरली परमेबल की इम्पर, और इसलिए इन्हें डालना, इन्हें ले जाना आसान है कि मुश्किल? मुश्किल। इसलिए क्या खर्च करेंगे? एटीपी खर्च करके इन्हें अंदर डाला जाएगा। दूसरा, इन्हें हम लोग ज्यादातर समय पर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ले जाते हैं। आपको क्यों? मिनरल पहले से ही बेटा रूट में ज्यादा है, और मिनरल लेके जा रहे हैं, तो बताओ हाई से लो जा रहे हैं कि लो से हाई? लो से हाई, और लो से हाई इट इज एक्टिव की पैसिव? अच्छा, जाएंगे तो कहां से जाएंगे? सर सबसे पहले मिलेगी एपिडर्मिस। फिर से बोलो। सर जी, एपिडर्मिस के अंदर एंट्री दो तरीके से है, या तो सेल वॉल जाओ या तो प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन गए तो याद रखना यू हैव टू स्पेंड सम एनर्जी, क्योंकि मेम्ब्रेन इज परमिएबल की इम्पर। तो पहले तो आपको एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। दूसरा, इसके बाद मिलेगी कॉर्टेक्स। फिर से बोलो। कॉर्टेक्स के बाद क्या मिलेगी? एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के पास स्ट्रिप कौन सी? कैस्पेरियन। फिर से बोलो। और कैस्पेरियन स्ट्रिप कभी भी एपोप्लास्ट से आगे जाने देगी कि नहीं जाएगी? तो यानी अगर तुम फ्री स्पेस तक भी गए तो कहां तक? एंडोडर्मिस। कहां जोड़ रहे? सुन लो, तो अगला पॉइंट संभाल नहीं पाओगे। अब जैसे ही तुम बेटा एपोप्लास्ट से पहुंचे एंडोडर्मिस तक, अब एंडोडर्मिस के आगे रास्ता बंद, क्योंकि एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में, वाल में क्या है? सुमेर। फिर से बोलो। लेकिन अब आपको कहां कूदना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म। फिर से बोलो। और साइटोप्लाज्म में कूदने के लिए तुम्हें चाहिए कैरियर प्रोटीन। फिर से बोलो। और भाइयों बहनों, अगर कैरियर प्रोटीन आ गई तो तीन चीजें मुफ्त में मिलेंगी, याद है? यानी ये ट्रांसपोर्ट कैसा हो जाएगा? सैचुरेशन। यानी कितनी क्वांटिटी जाएगी, क्या ये रेगुलेट किया जाएगा? नो सर। और कैरियर प्रोटीन होती है सेलेक्टिव। बोलो कैसे? तो कौन जाएगा, क्या ये भी कंट्रोल होगा? तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिनरल को कंट्रोल कौन करता होगा? एपिडर्मिस की एंडोडर्मिस? हाँ, एंडोडर्मिस। बुक की कुछ लाइनें हैं जो आपको पढ़नी है सबको मेरे साथ, वरना एनसीईआरटी घर में समझ में नहीं आती। पेज नंबर 189, आखिरी की चार लाइनों में जो तिरछी लाइनें लिखी हैं वो मैं पढ़ रहा हूं। तिरछी मतलब इटैलिक्स। पढ़ूं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मल सेल, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मल सेल मतलब एंडोडर्मिस की सेल, आर कंट्रोल पॉइंट वेयर अ प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब सैचुरेशन, एंड टाइप ऑफ सॉल्यूट दैट रीच द जाइलम। इसका मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को कहां मैनेज किया जाएगा? एपिडर्मिस के एंडोडर्मिस से तो सबको जाने देंगे, लेकिन एंडोडर्मिस के बाद, क्योंकि एपोप्लास्ट आगे जा सकता है कि नहीं? नहीं।
क्या होगा, सेम प्लास्ट। तो अब आपको साइटोप्लाज्म में डुबकी लगानी पड़ेगी, और साइटोप्लाज्म में डुबकी लगाने के लिए मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी, और मिनरल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कैरियर प्रोटीन चाहते हैं, और कैरियर प्रोटीन मिली तो मैंने बोला था दुनिया में कोई भी ट्रांसपोर्ट अगर कैरियर प्रोटीन से हो रहा है उसमें कितने पॉइंट होंगे, 3। नंबर 1 सैचुरेशन, स्पेसिफिक और इनहिबिशन, याद है, यानी कितना जाएगा ये डिसाइड कौन करेगा, एंडोडर्मिस, क्योंकि सैचुरेशन हो जाएगा, क्वांटिटी कौन जाएगा, क्वालिटी, क्योंकि सेलेक्टिव हो जाएगा, और तीसरा क्या इसे रोका भी जा सकता है, यस। तो कौन सी कैरियर प्रोटीन, एपिडर्मिस की एंडोडर्मिस, एंडोडर्मल कैरियर प्रोटीन आर द कंट्रोल पॉइंट, कैसे पॉइंट है, कंट्रोल, वेयर वी कैन एडजस्ट, क्या एडजस्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स। तो भैया अपटेक में इतना ही था, अगर आप अपटेक सुन गए हो, अगर हाँ यंग रूट हो तो क्यों नहीं पाया जाए, इसमें क्या दिक्कत है, बताओ बताओ क्यों, क्यों, जब तक सीडलिंग और एक दो हफ्ते की रूट है तब की बात ही नहीं कर रहा हूं, इसलिए शुरुआत में खाद पानी ज्यादा चाहिए क्योंकि तब ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही रूट एंकरेज फुल ले लेगी, जिसको तुम बोल रहे हो ओल्ड रूट, ओल्ड रूट भी कोई बहुत ओल्ड नहीं होती, एक ही महीना पुरानी होती, 15-20 दिन पहले की, ये खेत की बात कर रहा हूं, उसमें काम चालू हो जाए, सुबेरिन का डिपोजिशन की वजह से पूछ रहा यंग रूट में क्या होगा, यंग रूट की ये बात ही नहीं कर रहे, ये एस्टेब्लिश्ड प्लांट है, कौन सा प्लांट है, और एस्टेब्लिश्ड प्लांट इज यंग रूट और ओल्ड रूट, ओल्ड यंग रूट को तो सबसे ज्यादा टेंडर माना जाता है, वो तो मिनरल लेने पर भी मिनरल नहीं डाल देते, बहुत सारे पौधे अच्छे खाद पानी डालने के बाद भी ग्रो नहीं करते, नहीं आया, चलो हटा दे रहे, चलो बता पाओगे, अभी क्या पढ़ा मैंने, वाटर का कि मिनरल का, मिनरल का अपटेक पढ़ा है, अपटेक की डेफिनेशन बता पाओगे, मुझे यहां तो कोई भी बता दे, यहां देख के ऐसे बताओ, व्हाट इज अपटेक ऑफ मिनरल, इट्स द मूवमेंट ऑफ मिनरल फ्रॉम सॉइल अप टू जाइलम ऑफ रूट, कितने लोग दिख रहे हैं, पक्का, फिर से बोलो, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, रास्ते कितने, एक एपोप्लास्ट, फ्री स्पेस, साइटोप्लास्ट, फास्ट, स्लो, एपोप्लास्ट सिंप्लास्ट मैंने यहां नहीं पढ़ाया है, अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, दोबारा फिर से पूछूंगा, बता दोगे, खैर एपोप्लास्ट जाओगे सिंप्लास्ट जाओ, जाओगे दो ही तरफ से, या तो पैसिव या तो एक्टिव, एनर्जी खर्च तो नहीं खर्च तो पैसिव, ज्यादातर एब्जॉर्प्शन एक्टिव, कारण दो, एक दो, पहला कारण मिनरल जो प्रेजेंट है वो चार्ज है कि अनचार्ज, चार्ज आयन है, और मेम्ब्रेन उनके लिए परमिएबल की इम्पर, निगेटिव आयन के लिए ज्यादा इम्परमिएबल, याद रहेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन खुद कैसी निगेटिव, तो उनको भी नहीं आने देगी, यस और नो, अच्छा एक कारण ये है कि ज्यादातर मिनरल चार्ज्ड है और जिन्हें जाने नहीं दिया जा रहा, दूसरा अगेंस्ट, ऑलरेडी मिनरल कहाँ ज्यादा है रूट में, और भी मिनरल डाल रहे हो, तो बताओ अलोंग की अगेंस्ट, अगेंस्ट, ये हटा लो नहीं सो जाओ, इतनी गर्मी में भी आदमी सो जाता, अलोंग की अगेंस्ट, अगेंस्ट, खैर तुम पैसिव जाओ कि एक्टिव जाओ, जाना तो तुम्हें एपिडर्मिस से लेकर के जाइलम तक है ही, बीच में कौन मिलेगी, एंडोड, एंडोडर्मिस के पास स्ट्रिप, कैस्पेरियन, कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद मूवमेंट, वन वे की टू वे, वन वे, अब वापस आओगे नहीं, तो बताओ यहां पर जाने के लिए एपोप्लास की सिंप्लास, सिंप्लास, और सिंप्लास तो साइटोप्लास में घुसना पड़ेगा, बिटिया बातें मत करो, और सिंप्लास में वाटर में अगर तुम्हें साइटोप्लाज्म में घुसना पड़ा तो क्या क्रॉस करनी पड़ेगी, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में आपको मिलेगी कैरियर प्रोटीन, अगर पैसिव जा रहे हो तो ये है फैसिलेटेड, अगर एक्टिव जा रहे हो तो ये है, सॉरी अगर एनर्जी खर्च करके जा रहे हो तो एक्टिव, तो कैरियर प्रोटीन दोनों में यूज होंगी, कैरियर प्रोटीन यूज होते ही तीन बातें मुफ्त में मिलेंगी, मिलेगी क्या, सैचुरेशन, स्पेसिफिसिटी, इनहिबिशन, पक्का, तो बताओ सैचुरेशन मतलब कितना भी ले जाओ, क्वांटिटी एडजस्ट कर पाओगे, क्वालिटी एडजस्ट कर पाओगे,
टाइप ऑफ सोल्यूशन सोल्यूट करवाओगे? हाँ, एपिडर्मिस के एंडोडर्मिस। इसी को एनसीईआरटी ने तिरछा करके लिखा है। क्या लिखा है? एंडोडर्मल सेल्स आर द सेल्स विच आर द कंट्रोल पॉइंट टू एडजस्ट क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सोल्यूट। क्यों? क्योंकि यहां से क्या कैरियर प्रोटीन का काम चालू होगा, और कैरियर प्रोटीन किसे ले जाएगी, कितना ले जाएगी, ये डिपेंड करेगा। याद रहेगा इनके दो पाथवे हैं, एक कौन एपोब्लास्ट, एक सिम। बिना पढ़ाई मेरा बच्चा जानता कौन फास्ट कौन स्लो। जनरली किसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है? एपोब्लास्ट। किसमें जरूरत है? सिम। क्योंकि कैरियर प्रोटीन किसमें है? सिम। तो फिलहाल बाकी टॉपिक इसका एब्जॉर्प्शन का वो हम कहां पढ़ेंगे? तो बताओ, अगर मैं ये पढ़ा चुका हूं तो अब बताओ ये क्या है? ट्रांसलोकेशन। अगला टॉपिक देखो आपकी बुक का क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल। एनसीईआरटी से बढ़िया बुक कोई है ही नहीं। एक एक करके सब कुछ पढ़ा देती हो। फैन चला दे। एनसीईआरटी के फैन हो गए? मैं तो बचपन से फैन हूं। मैंने अपनी उम्र के 10वें साल से एनसीईआरटी पढ़ना चालू किया था नवोदय में। नवोदय एक सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, उसमें क्लास 6 से एनसीईआरटी पढ़ानी। तो पहली बार जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो मुझे लग रहा था ये किताब है ही नहीं, ये तो अधूरी किताब है। तो मैंने एनसीईआरटी को गालियां दी थी, इसमें कुछ लिखा ही नहीं रहता। फिर जब जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मैं जान पाया एनसीईआरटी की एक लाइन मतलब एक लाइन की 50 लाइन। सो यू हैव टू इनक्रीज योर समझन दानी, साबुन दानी। हाँ, कैचिंग पावर। कैचिंग पावर अगर आपकी अच्छी है और अगर आप गजनी नहीं है क्या, तो आपको काफी काम मिलेगा। ओके, सो बेटा, भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, मेरे सोना, मेरे बाबू, अगर तुम्हें मिनरल पहुंचाना है, भाइयों बहनों ध्यान से, तो आपको मिनरल ऊपर ले जाना पड़ेगा। एंड दैट इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। आज मैं सैप का मतलब खोल रहा हूं। सैप का मतलब केवल वाटर नहीं होता, सैप का मतलब वाटर प्लस मिनरल। और मैंने आपको एसेंट ऑफ सैप की मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी पढ़ा रखी है, याद है? Yes, कौन दिया था? डिक्सन एंड जॉली, याद है? चलो, कौन? कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल, हाइपोथेसिस। इधर ही देखना, लाओ। अगली बार धीरे मारा है, अगली बार नाक पे पड़ेगा। क्या बतिया रहे हो? पानी मांग रहे हो? अरे वाह, अब मैं कह सकता हूं मैंने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते पानी पिला दिया। तो बताओ सैप में कितनी चीजें हैं? दो। एक कौन? वाटर। और एक? तो जहां जहां वाटर वहां वहां। तो बोलते हैं ट्रांसपिरेशन ना होता तो वाटर ऊपर नहीं चढ़। तो याद रखना, मिनरल भी ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के साथ ऊपर चढ़ते हैं। और जिनका दिमाग खुला होगा वो जवाब देंगे मेरे को। तहजीब बेटा खड़े हो, पूछ ही लेते हैं। मान लो यहां से बेटा वाटर भी एंट्री किया और मिनरल भी एंट्री किया। वाटर भी आगे बढ़ा, मिनरल भी आगे बढ़ा। वाटर तो निकल लिया, मिनरल का किया? बताओ। फोटोसिंथेसिस। बैठो, शाबाश। How many of you? तुमने कितने लोगों ने जो पुरानी तरीके की सिंचाई देखी जिसमें पाइप नहीं था, नालियां थी, सबने देखी? अच्छा, ध्यान सुनना। जिन लोगों ने देखी हो ध्यान सुने। ट्यूबवेल से पानी निकला, पानी के साथ मिट्टी बहने लगी, तो नाली में मिट्टी भी चल रही, पानी भी चल रहा, मिट्टी भी चल रही, पानी भी चल रहा। 2-3 घंटे में पानी तो खेत में जा रहा, मिट्टी नाली में जमा होती जा रही है।
नाली बच्ची की ब्लॉक हो गई और ब्लॉक होने की वजह से पानी सीधे जाने लगा कि टूट गया, तो जहां पानी जाना था वहां गया कि नहीं गया? बिल्कुल ऐसा ही है, पानी भी जा रहा है ऊपर, मिनरल भी ऊपर जा रहा है। पानी तो खेत में निकल लिया, खेत मतलब एनवायरमेंट, मिनरल रुक गया, और मिनरल रुकने लगा भाइयों बहनों तो याद रखना ये मिनरल एक दिन जाइलम वेसल को ब्लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? अगर ब्लॉक कर देंगे तो पानी ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा। इसलिए मिनरल के ट्रांसलोकेशन में ट्रांसपिरेशन पुल का तो रोल है ही, ट्रांसपिरेशन रोल का रोल होने के साथ साथ यहां सोर्स और सिंक का भी कॉन्सेप्ट है, सोर्स एंड सिंक। ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। बोलते हैं मिनरल का एक होगा सोर्स, याद रखना सोर्स वो प्लेसेस होते हैं जहां पर मिनरल की होती है लोडिंग। शब्द याद रखोगे तो कभी मत कभी नहीं भूलोगे, कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। जहां पर क्या होगी? लोडिंग। सो जाइलम ऑफ रूट, फिर से बोलो, इट इज अ सोर्स। जाइलम ऑफ रूट इज अ सोर्स। तो कोई पूछे व्हाट इज सोर्स, बोलना इट इज पॉइंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यही शब्द बोल के आगे बढ़ जाना, पॉइंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन केस ऑफ मिनरल। मिनरल के केस में पॉइंट का अपटेक, जिस पॉइंट पर मिनरल को अपटेक कर दिया गया, लोड कर दिया गया, वो कौन है? सोर्स। और जब सोर्स से चीजें चली तो किसके थ्रू चली? ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के साथ चली और पहुंची लीफ में। बहुत सारी लीफ है, एक आधी लीफ नहीं है, और हर लीफ के पास जाके मिनरल रुकने लगा। अब बोला गया मिनरल लीफ पे नहीं रुकना चाहिए, वरना लीफ की ब्लड सॉरी लीफ की जाइलम वेसल बचेगी ब्लॉक। देन वी नीड सिंक। बोले सिंक क्या होता है जिसमें जूठे बर्तन डालते हैं? नो, सिंक इज द प्लेस और द पॉइंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल। मिनरल का रिक्वायरमेंट जिन जिन जगह पर है उनका नाम है सिंक। तो पत्तियों से चीजों का होगा मोबिलाइजेशन। बोलो क्या होगा? मोबिलाइजेशन। फिर से बोलो, फिर से बोलो, री बोला कि मोबिलाइजेशन। तो पत्तियों से चीजें मोबिलाइज करेंगी एट द सिंक। अब सिंक क्या हो सकता है? सिंक शुड बी एनी प्लेस, एनी पॉइंट जहां पर मिनरल की जरूरत हो। इट कैन बी एपिकल मेरिस्टम। क्या हो सकता है? एपिकल मेरिस्टम हो सकता है जहां पर बेटा सेल डिवीजन चल रहे हैं, यहां पर मिनरल पहुंचाया जाएगा। एपिकल मेरिस्टम पे मिनरल पहुंचाया जाएगा। इट कैन बी लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम में मिनरल पहुंचाया जाएगा। इट कैन बी फ्लावर, जो नया फ्लावर बन रहा वहां पहुंचाया जाएगा। इट कैन बी बड, इट कैन बी यंग लीफ, नई पत्ती। इट कैन बी स्टोरेज ऑर्गन, जहां पर भी मिनरल को स्टोर किया जाएगा। हर वो जगह जहां मिनरल की जरूरत है, दैट इज सिंक। रट्टा मारने की जरूरत है क्या? नहीं। हर वो जगह जहां पर मिनरल की जरूरत है उसका नाम सिंक। यानी पत्तियां इसे एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, फ्लावर में पहुंचाने लगेगी, बड्स में पहुंचाने लगेगी, और हर जगह पहुंचाने लगेंगी। तो बताओ नालियों में वो मिनरल बचेगा कि मोबिलाइज? मोबिलाइज। तो शब्द याद रखना, सिंक वो जगह होती है जहां पर मिनरल का होता है, यस, जहां पर मिनरल का होता है मोबिलाइजेशन। बोलो क्या होता है? मोबिलाइजेशन, यानी चीजों को मोबिलाइज कर दिया जाता है। दोनों शब्द चाहिए, पहले सोर्स बताओ, पॉइंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, दूसरा पॉइंट ऑफ रिक्वायरमेंट, जहां पर लोडिंग हुई सोर्स, और जहां पर अनलोडिंग हुई। क्या हुई? अनलोडिंग की अनलोडिंग, बिल्कुल ट्रक चढ़ाना और ट्रक उतारने जैसा। जहां पर ट्रक में सामान चढ़ाया गया सोर्स, और जहां पर ट्रक से सामान उतारा गया सिंक।
ट्रक का नाम है जाइलम, बोलो जाइलम। जाइलम, जिस जाइलम में चढ़ाया गया वो लोडिंग, और जिस जाइलम से निकाला गया वो है अनलोडिंग। तो जिस जगह पर लोड किया गया वो सोर्स, और जिस जगह पर अनलोड किया गया वो सिंक। सिंक हर उस जगह का नाम है जहां पर मिनरल की जरूरत। एपिकल मेरिस्टम इज सिंक, लैटरल मेरिस्टम इज सिंक, फ्लावर इज सिंक, बड इज सिंक, यंग लीफ इज सिंक, फ्रूट इज सिंक, स्टोरेज ऑर्गन इज सिंक। सिंक में चीजें बुलाई जाने लगी, लोड किया गया कि अनलोड। तो जाइलम में लोड जहां हुआ वो क्या हुआ, सोर्स, और अनलोड जहां हुआ सिंक। तो मिनरल तो भैया मोबिलाइज हो गए और वाटर ट्रांसपायर हो गया, नालियां साफ है, नालियों का नाम जाइलम। पानी भी चढ़ता रहेगा, मिनरल भी चढ़ेंगे। यस और नो, शब्द बता पाओगे? क्योंकि मुझे जगह और चाहिए, मैं मिटा दूंगा ये। बताओ मैंने क्या पढ़ाया, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल की ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल किसके थ्रू हो रहा है? जाइलम के थ्रू। और जाइलम में किस फोर्स के थ्रू? ट्रांसपिरेशन पुल। तो क्या मिनरल ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के साथ ऊपर चढ़ते हैं? और जब चढ़ते हैं तो पानी के साथ ही उड़ जाते हैं? पानी उड़ गया लेकिन मिनरल वहीं रुक जाते हैं। रुकते हैं कि मोबिलाइज होते हैं? मोबिलाइज होना समझते हो? लोड होना कि अनलोड होना? अनलोड होकर के कहां पहुंचते हैं? सोर्स में कि सिंक? क्या सोर्स की डेफिनेशन बता पाओगे? सिंक की बता पाओगे? व्हाट इज सोर्स? पॉइंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज सोर्स, पॉइंट ऑफ यूटिलाइजेशन इज सिंक। तो पॉइंट ऑफ एब्जॉर्प्शन में मिनरल का अपलोड होगा, लोड होगा कि अनलोड? अनलोड के अनलोड लोड। और सिंक पे, सिंक की डेफिनेशन बता पाओगे? एनी प्लेस वेयर वाटर इज रिक्वायर्ड, बता पाओगे? पहला एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, पक्का? ये सारी चीजें आपको सिंक की तरह काम करेगी। याद रखना, मोबिलाइजेशन के साथ साथ मिनरल रीमोबिलाइजेशन भी करते हैं। अब ये बड़ी बात है, दोनों शब्द एक नहीं है। पहले पढ़ाया था मोबिलाइजेशन, अब क्या पढ़ाना हो? रीमोबिलाइजेशन। बोलते हैं कुछ पत्तियां बूढ़ी हो चुकी हैं, कभी ये पत्तियां यंग थी। जब ये पत्तियां यंग थी तब इन्होंने मिनरल लिया था कि भैया हमको मिनरल दो, और वो मिनरल लेकर के इन्होंने अपनी बॉडी बनाई थी। तो इन पत्तियों पे मिनरल पहले से प्रेजेंट थे, दीज आर नोन एज मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन की वजह से मिनरल पत्तियों पे पहुंचा था, लेकिन ये पत्ती अभी सेनेसेंट होने वाली है, गिर जाने वाली है, झड़ जाने वाली है, और तभी इसके बगल में एक नई पत्ती, सुंदर पत्ती निकल रही है। अब क्या किया पुरानी लीफ ने, ओल्ड लीफ ने क्या कहा, यार मैं तो मरी जाऊंगी और जो मिनरल मेरे को पौधे ने दिया था मैं अपने साथ लेके चली जाऊंगी, बेकार हो जाएगा वो मिनरल, क्यों ना मैं मरने के पहले उस मिनरल को नई पत्ती को दे जाऊं। तो बताओ जो मिनरल मोबिलाइज होकर लीफ पर, ओल्ड लीफ पर पहुंचा था, क्या वो यंग लीफ पर जाने लगेगा, यंग टिश्यूज पर जाने लगेगा? ये कहां से आया है, सॉइल से आया है कि अदर टिश्यू से? सॉइल से आया हुआ मिनरल अगर सिंक में पहुंचे इट इज मोबिलाइज, अदर टिश्यू से अगर सिंक में पहुंचे इट इज रीमोबिलाइज। फिर से, सॉइल से आया हुआ मिनरल डायरेक्ट सिंक में पहुंचे इट इज मोबिलाइजेड, अदर ओल्ड टिश्यू से आया हुआ मिनरल, जो यूज हो चुका हुआ मिनरल वापस लौट के इन टिश्यूज पर आए, रीमोबिलाइजेड। बोलते हैं सारे मिनरल रीमोबिलाइज नहीं होते, देर आर सम मिनरल लाइक NPKS, व्हाट इज N? नाइट्रोजन, ये रीमोबिलाइज होता है। P, फॉस्फोरस, ये भी रीमोबिलाइज हो जाता है। के, पोटेशियम भी रीमोबिलाइज हो जाता है। याद रखना, कुछ किताबें NCERT कुछ जगह पर सल्फर को दोनों तरीके का मानती है। सल्फर का ऑर्गेनिक वाला पोर्शन मोबिलाइजेशन करता है, और जो बेटा इनऑर्गेनिक पोर्शन होता है उसका मोबिलाइजेशन नहीं होता। याद रखना, कैल्शियम कैन नॉट रीमोबिलाइज, इसका कभी रीमोबिलाइजेशन नहीं हो सकता, कैन नॉट रीमोबिलाइज।
कोई पूछता है क्यों रीमोबिलाइज नहीं हो जा सकता, क्योंकि कैल्शियम प्रेजेंट होता है मिडिल लैमेला में, किसी को याद है? और मिडिल लैमेला में किस फॉर्म में पाया जाता है? कैल्शियम पेक्टेट। अगर ये खत्म तो सेल टूट जाएंगी, सेल टूट जाएंगी तो स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। तो पत्तियां अपने स्ट्रक्चर को खत्म करके गिरती हैं क्या? नहीं, पत्तियां गिरती हैं लेकिन स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। इसका मतलब मिडिल लैमेला मेंटेन रहता है। बताओ कौन सा आयन है जो कभी रिमोबिलाइज नहीं होगा? कभी भी रिमोबिलाइज नहीं होगा। सल्फर के कुछ फॉर्म मोबिलाइज, कुछ फॉर्म नॉट रिमोबिलाइज। कौन है जिनके हर फॉर्म रिमोबिलाइज? एन पी के, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, के फॉर पोटेशियम। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बना है, और जो सबसे मुश्किल चीजें पढ़ने में लग रही हैं इन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और फिर जब घर में जाकर के तुमको ये निकलता नहीं है, और फिर जब एग्जाम में आता है तुम कहते हो हमने सही ढंग से पढ़ा नहीं था। अभी पढ़ो और खत्म करो इसे। बताओ ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल में केवल ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट लगेगा? नहीं, क्योंकि अगर केवल ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट लगता तो पानी की तरह मिनरल को भी हवा में उड़ जाना चाहिए। क्या सारे मिनरल हवा में उड़ जाते? तो क्या मिनरल पत्तियों में रुकते होंगे? तो लोड होते होंगे कि अनलोड? तो बताओ ट्रांसपिरेशन पुल हाइपोथेसिस के अलावा एक और हाइपोथेसिस लगती है, सोर्स एंड सिंक। व्हाट इज सोर्स? पॉइंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, दैट इज लोडिंग। एंड व्हाट इज सिंक? पॉइंट ऑफ अनलोडिंग और पॉइंट ऑफ रिक्वायरमेंट। सिंक की डेफिनेशन रट्टा मारोगे? एग्जांपल बता पाओगे? बताओ एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, बर्ड, फ्लावर, यंग लीफ, फ्रूट, स्टोरेज ऑर्गन, सब क्या है? सिंक। जहां जहां मिनरल की जरूरत है वो सब क्या है? सिंक। तो बताओ मिनरल का मोबिलाइजेशन कहां होगा? सिंक। क्या मिनरल का रिमोबिलाइजेशन भी होगा? मोबिलाइजेशन होता है जो सॉइल से आया है वो बेटा सिंक तक पहुंचा। रिमोबिलाइजेशन क्या है? यूज हुआ मिनरल दोबारा से यूज होने के लिए पुराने टिश्यू से नए टिश्यू में आ जाए, इट इज रिमोबिलाइजेशन की मोबिलाइजेशन, रिमोबिलाइज। और सारे मिनरल का रिमोबिलाइजेशन नहीं होता। कुछ है एन पी के एस, नाइट्रोजन का होता है, फॉस्फोरस का, पोटेशियम का, सल्फर के कुछ फॉर्म मोबिलाइज, कुछ नॉट, और कैल्शियम का कोई भी फॉर्म रीमोबिलाइज नहीं होता। बाय करते हैं एंड नाउ मिनरल खत्म। आए चार थे, कितने? वाटर खत्म, मिनरल खत्म, दो खत्म हो गए। पीजीआर हमारे कोर्स में नहीं है अभी, इसमें नहीं है। अब क्या बचा? तो चलो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स एंड सिंक। चलो कितने लोगों का मन कर रहा कि कांस छोड़ दे, है ना? पर तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं छोड़ूंगा, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ भी नहीं पाओगे। पूरा इसलिए नहीं पढ़ पाओगे कि मास फ्लो हाइपोथेसिस की जो मंच की मास फ्लो हाइपोथेसिस है ना, इट टेक्स ऑलमोस्ट 30 मिनट टू 45 मिनट। अगर उतना बैठना चाहो तो पढ़ा दो। अरे तुम्हारी लोगों की हरकतें देख रहा हूं, तुम लोग बस कभी इधर से लड़ाई ले रहे हो, उधर से लड़ाई ले रहे हो। पढ़ाएंगे इतना तो पढ़ाएंगे भैया, मेरे बाबू, मेरे बच्चा, मेरे सोना। अब एक बात याद रखना, फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो या तो फूड है, और अगर फूड नहीं है तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और फूड और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है, और यहां पर भी एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज नोन एज सोर्स टू सिंक। उन्होंने बोला सोर्स एंड सिंक कॉन्सेप्ट। अगर मैं आज इतना सिखा पाया कि जिस जगह से जिस तरीके से वाटर मिनरल जा रहे ठीक उस तरीके से फूड नहीं जाता, तो मैं आज बहुत बड़ा काम कर पाऊं। याद रखना फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में भी
मास फ्लो हाइपोथेसिस लगती है। और जैसे मैं बच्चों को मास फ्लो हाइपोथेसिस बताता हूं, बच्चे उछल जाते हैं, अरे अब तो आ गया, क्योंकि उन्हें मालूम है सर तीन पॉइंट बोलेंगे, एक एन एक एन निगेटिव पक्का। और जैसे ही मैं उन बच्चों के सामने प्लांट बनाता हूं, प्लांट बनाते हुए खूबसूरत तरीके से सोचने लगते हैं कि सर अब लिखेंगे यहां पर रूट प्रेशर, पक्का पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहां पर सर लिखेंगे ट्रांसपिरेशन पुल, पॉजिटिव निगेटिव हाँ निगेटिव, और फिर यहां लिखेंगे कॉलम कॉन्टिन्यूअस। पर वो भूल जाते हैं कि ये मास फ्लो हाइपोथेसिस में कॉलम जो लिए गए हैं ये हैं जाइलम, बोलो क्या, और यहां पर हम लोग क्या बोले, तो जाइलम की नाली में जो पानी बह रहा, जो भी सब्सटेंस बैठ रहा, वो नीचे से ऊपर। काश कि तुम एज्यूम कर पाते, मैं ये जो बनाता हूं ये एब्सर्ड है, इतनी बड़ी नालियां नहीं है, लेकिन मैं काश एज्यूम करवा पाता कि ये जो जाइलम की नाली है इसी के साथ साथ एक फ्लोएम की नाली चल रही, किसकी, फ्लोएम। जाइलम की नाली में धक्का नीचे से लगाया जा रहा, बोलो कौन, रूट प्रेशर, फिर से बोलो, और ऊपर से खींचा जा रहा ट्रांसपिरेशन को। तो ये जो प्रेशर लग रहे हैं जाइलम में कि फ्लोएम में, फ्लोएम में इसका कोई लेना देना नहीं। फ्लोएम तो अपनी ही गति से चल रहा, क्योंकि फ्लोएम कहता है कि मेरे लिए सोर्स है लीफ, हे भगवान सोर्स इज लीफ, कहते व्हाट इज सोर्स, सोर्स इज द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन, एब्जॉर्प्शन की फॉर्मेशन, पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड, जहां पर फूड बनेगा वही है सोर्स। और फूड बनता है किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस, फिर से बोलो, और फोटोसिंथेसिस जहां हो रही है वो क्या होगा, सोर्स। और हमको पढ़ाया गया है कि रूट का एक काम स्टोरेज भी है, भूल गए होंगे, स्टोरेज ऑफ फूड, मिनरल की फूड, तो फूड बना कहां, पहुंचा कहां, रूट में। तो बताओ रूट पर पहुंचना ऊपर की आना कि नीचे, और अगर इसमें ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा होता दोस्तों तो खाना कभी नीचे नहीं खाना, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल लगता है किस नाली में, किसमें, किसमें नहीं लगता, इसका मतलब फ्लोएम की मास फ्लो हाइपोथेसिस भी होगी लेकिन उसमें ट्रांसपिरेशन पुल की हाइपोथेसिस, वो भी मास फ्लो होगी जिसमें लीफ वाला पोर्शन विल बी एट पॉजिटिव, रूट वाला विल बी एट निगेटिव, और कॉलम, अब की बार कॉलम किसका पार्टी है, जाइलम का कि फ्लोएम का। और इसी मास फ्लो हाइपोथेसिस को मंच ने पढ़ाया, किसने, एंड दैट इज नोन एज मंचेस मास फ्लो हाइपोथेसिस। खैर वो क्या है वो मैं कल पढ़ा पाऊंगा, पर अभी सुनो, बोलते हैं सोर्स वो हर जगह है जहां पर खाना बन सकता है, और खाना केवल एक ही जगह बन सकता है जहां क्या, ओनली, और सिंक हर वो जगह है जहां पर खाना स्टोर किया जा सकता है, फ्रूट भी सिंक है, याद रखना, क्योंकि फ्रूट भी खाना स्टोर करते हैं, रूट भी सिंक है, याद रखना, क्योंकि ये भी खाना स्टोर करते हैं। तो होता यूं है कि खाना पहले सोर्स से सिंक की तरफ चलता है, सोर्स से सिंक की तरफ चलता है और यहां पर स्टोर हो जाता है, सोर्स से सिंक की तरफ चलता है और यहां स्टोर हो जाता है। लेकिन एक दिन ये पत्ती गिर जाती है पतझड़ में, गिर जाती है, और मैंने कहा था नई पत्ती निकलती है, निकलती है, तो बताओ अब जो सिंक था कौन था, अब ये क्या बिहेव करेगा, सोर्स, और जो सोर्स था वो कैसे भी सिंक फिर से वापस लौटेगा। तो खाना जैसा आया था वैसे ही लौट सकता है, तो बताओ सोर्स से सिंक और सिंक से सोर्स, खाना आता जाता रहेगा, यस, इसीलिए फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट इज फिर से बोलो। कुछ लोग मुझसे एक और बेहद बेहुदा क्वेश्चन करते हैं कि सर माना खाना जब नीचे उतर रहा था
तब उसमें ट्रांसपिरेशन पुल नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब खाना ऊपर जा रहा होगा तब तो लग रहा होगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल की नाली जाइलम है, और ये कौन है? फ्लोएम, और फ्लोएम की मास फ्लो हाइपोथेसिस जाइलम की मास फ्लो हाइपोथेसिस जैसी कि अलग है। हाँ, ये और बात है कि खाना सोर्स से सिंक, सिंक से सोर्स आता है, जाता रहेगा, तो यूनिट डायरेक्शनल की बात रहा। तो बताओ जाइलम का मूवमेंट पढ़ाया था पहले दिन जब डायरेक्शन पढ़ाई थी, तो बताया था जाइलम में मूव करने वाले सब्सटेंस यूनिड्रेक्ट, जिसमें से जाइलम में कितनी चीजें मूव करती हैं? दो, एक कौन? वाटर, दूसरा मिनरल, परफेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन। आज रीडिस्ट्रीब्यूशन सिखाया, इसीलिए परफेक्ट यूनिडायरेक्शनल नहीं है, कौन? मिनरल। इसीलिए मिनरल को कई बार लोग मल्टी डायरेक्शनल लिख देते हैं, अदरवाइज जाइलम के सारे मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल। फिर मैंने आज पढ़ाया, उस दिन भी पढ़ाया था, फ्लोएम में खाना सोर्स से सिंक, सिंक से सोर्स, ऊपर से नीचे नहीं, सोर्स से सिंक, सिंक से सोर्स आता जाता रहेगा, और इसीलिए यूनिडायरेक्शनल की बाय डायरेक्शन, ये मूवमेंट क्या कहलाएंगे? बाय डायरेक्शन। लेकिन जब सर सोर्स से सिंक या सिंक से सोर्स जा रहे होंगे, तो कौन सी हाइपोथेसिस? मास। और ये कैसी मास हाइपोलो हाइपोथेसिस है जिसमें पॉजिटिव प्रेशर ऊपर और निगेटिव प्रेशर नीचे? सर कुछ तो गड़बड़ है। तो इसी इंपॉर्टेंट मास फ्लो हाइपोथेसिस का आखिरी टॉपिक है, हमारा टॉपिक आखिरी क्या है देखो, मास फ्लो हाइपोथेसिस। इसलिए मैं बोलता हूं एनसीईआरटी इज द बेस्ट। तो मास फ्लो हाइपोथेसिस जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो अब मैं पढ़ाऊंगा कल, वो किसके लिए होगी? जाइलम की फ्लोएम। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल ही हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन चालू कर देंगे। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। Thank you.